अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम बारबेक्यू बना रहे हैं, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, तो आए देखते हैं इसमें क्या क्या डलेगा। इसमें मैं ये सारी चीज़ें डालूंगी। ये सबसे पहले ये नमक है, ये बेकिंग सोडा है, चाट मसाला है, मैंने घर में बनाया हुआ है, रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। कुटी मिर्ची है, हल्दी है, विनेगर है, सफ़ेद सिरका और रेड चिली है, लेमन साल्ट है और ये लीमू है। मर्जी है लीमू डालते हैं या लेमन साल्ट डालते हैं। ये जो बारबेक्यू का मसाला होता है वो एक पैकेट लिया है। दही है एक कप, लहसुन अदरक का पेस्ट है। आज मैं डालने वाली हूँ साथ में आलू। सबसे पहले इसमें मैं डालती हूँ जो बेकिंग सोडा मैंने लिया है वो डालते हैं। इसी के ऊपर ही मैंने सिरका लिया है, ये डालती हूँ। देखिए इससे यह होता है कि टिक्के जो होते हैं बहुत खुश्क नहीं होते हैं, बहुत ही मज़ेदार जूसी जूसी बनते हैं। लेमन साल्ट डालती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ, सारे मसाले मैं डाल लेती हूँ वन बाय वन। चाट मसाला, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ये नमक। सारी चीजें आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, मिर्ची, नमक, और ये है आधा मैंने डाला है, आधा मैं चिकन पे लगाऊंगी। ये है मेरी दही, इसको कोई भी आपने रात भर के लिए नहीं लगाना है। जस्ट खाली मैंने इतने देर ये मसाला लगा के रख लेना है कि बाहर मेरे कोयले बनते हैं और जब तक ये मसाला इस पे लग गया है, बस झटपट मसाला है ये। झटपट क्यों बोला है मैंने, इसमें बेकिंग सोडा और सिरका जो मैंने डाला है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे गोश्त भी बहुत अच्छा गल जाता है और बहुत जूसी भी होता है, सूखा सूखा भी नहीं होता है, और मसाला भी बहुत ईजीली सारे गोश्त में अच्छे से घुस जाता है। कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आपको इसे रात भर के लिए लगा के रख लेना चाहिए और इसमें मसाला नहीं घुसता है, लेकिन ये तरकीब बहुत ज़बरदस्त है और आपका चाट सारा मसाला ऐसे गोश्त में घुस जाएगा कि पूछो ही, बहुत ज़बरदस्त मसाला लग जाता है। तो ये मैं अभी इस पोजीशन पे इसको रख लेती हूँ और हम बाहर जाके कोयला जलाते हैं। ये मैंने आलू जो कट किए थे ये भी मैं इसे में डाल के इसको भी मसाला लगा लेते हैं, इसको भी अच्छा सा मसाला लग जाएगा। ये जस्ट खाली मैंने 10-15 मिनट रखना है कोयले जलने तक। ये चिकन है, इसमें मैंने सिरका डाला हुआ है, इसमें हम बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर गल जाएगा। थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, सॉरी बारबेक्यू का मसाला आधा मैंने उधर डाला था, आधा इधर डाल लेती हूँ। लाल मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ, लेमन साल्ट डाल देती हूँ थोड़ा सा, हल्दी, लाल मिर्ची, इस मसाले में मैं दही नहीं लगाऊंगी। ये जस्ट खाली लहसुन अदरक और ये सारे जो मैंने मसाले डाले हैं ये है, इसमें दही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें हमने सिरका डाला है, दही से
चिकन गोश्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हमने ये भी इतनी देर के लिए रखना है कि बाहर कोयले बनते हैं जब तक इसको हम कवर करके रखते हैं। हमारा कोयला जल रहा है, मैंने इसमें प्याज भी डाल दिए थे ताकि इस पर भी मसाला लग जाए, और ये मैंने आलू भी डाले हैं। तो हम ये सीख में भरते हैं। ये एक हमने बोटी लगानी है, एक हमने आलू लगाना है, फिर एक हमने फिर बोटी। ऐसे हमने सारे सीख बना लेने हैं। सारे ऐसे सीख हमने लगा लेने हैं। देखिए इसमें हमने कौन बोटी लगाई।